आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है टीनेज बाउंटी हंटर्स। यार इस वेब सीरीज को मैं पिछले दो दिनों से देख रहा हूँ, ये एक टीनेज ड्रामा है, लेकिन जब मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया तो मुझे पर्सनली क्या कुछ लगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, साथ साथ ये भी बता दूं कि ये सीरीज कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, बात करेंगे टीनेज बाउंटी हंटर्स की। तो इसमें आपको टोटल 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 43 मिनट से लेके 58 मिनट के बीच में। ये बात करेंगे सीरीज के प्लॉट की, तो कहानी शुरू होती है ट्विन सिस्टर से जिनका नाम है स्टर्लिंग और ब्लेयर। ये दोनों हाई स्कूल स्टूडेंट है और ये लोग एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते और बेसिकली दोनों ही लड़कियों को सेक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। आप कह सकते हो ये दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा हॉर्नी है, लेकिन इनकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब ये एक्सीडेंटली बाउंटी हंटर्स बन जाते हैं, यानी कि ये उन क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं जिनके ऊपर रिवॉर्ड्स होते हैं, यानी कि इनाम होते हैं। उसके बाद इन लोगों की लाइफ किस तरह से बदलती है और साथ साथ इनकी पर्सनल लाइफ में और स्कूल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये सीरीज। बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, तो ये एक टीनेज ड्रामा है जो कि मुझे इतने ज्यादा पसंद आते नहीं है, लेकिन ये शो एक वेरी वेल रिटन शो है क्योंकि इसका जो फर्स्ट एपिसोड का जो फर्स्ट सीन है उसे देखकर ऐसा फील होता है कि यार काफी ऑकवर्ड लगता है, ऐसा लगता है कि यार इसमें गंदगी बताएगी, लेकिन जैसे सीरीज आगे बढ़ती है वैसे वैसे इसमें ना हमें सिर्फ बाउंटी हंटर्स के बारे में नहीं बताया, यहाँ पर हमें और भी बहुत कुछ चीजें बताई, जैसे कि उन टीनेजर्स लड़कियों को इस फील्ड के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो किस तरह से सब चीजें मैनेज कर रहे वो भी देखने को मिलता है, साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी स्कूल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। उसके अलावा इस सीरीज में हर एक चीज को ना एकदम फन वे में लिया लोगों ने, चाहे वो सेक्स हो या क्रिमिनल्स को पकड़ना हो या रिलीजन के ऊपर कुछ बातें हो, तो उन सारी चीजों को लोगों ने एक फन वे में लिया। और मैं आपको बता दूं एक फैक्ट वो ये है कि जितने भी फॉरेनर्स होते हैं वो लोग हर चीज का एक मजाक उड़ा दिया कह सकते हैं, हर चीज को फन में लेते हैं, इवन वो अपने कंट्री के फ्लैग को भी फन वे में लेते हैं, उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं, हालांकि नेताओं को तो फन में लेना चाहिए, लेकिन इवन वो अपने खुद के रिलीजन पे भी फन कुछ ना कुछ कॉमेडी निकाल ही लेते हैं, हालांकि रिलीजन पे नहीं निकालना चाहिए लेकिन वे लोग ऐसा करते हैं। और इस सीरीज में भी आपको क्रिश्चियनिटी के ऊपर काफी कुछ चीजें ऐसे देखने को मिल जाएगी जो आपको थोड़ा बहुत ऐसा करेगी यार ये लोग अपने ही गॉड पे या अपने ही धर्म पे कुछ भी बोल लेते, लेकिन क्या करें ये उनका पर्सनल नेचर है, अपन उस पर कुछ नहीं कर सकते। खैर उसके अलावा बात करेंगे सीरीज के कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर जो दो मेन कैरेक्टर स्टर्लिंग और ब्लेयर, इन दोनों कैरेक्टर को तो अच्छी तरह से डेवलप किया है, इन दोनों के बारे में काफी कुछ हमें इस सीरीज में बताया, और जैसे जैसे सीरीज प्रोग्रेस करता है स्पेशली इन दोनों के कैरेक्टर्स में काफी कुछ चेंजेस हमें पूरे सीरीज में नजर आता है, जो कि आपको ऐसा फील कराता है कि हाँ इन कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से डेवलप किया है, लेकिन साथ साथ दूसरे कैरेक्टर्स पर भी इस सीरीज में बहुत ही अच्छी तरह से फोकस किया है, जैसे कि बाउजर जिसका यहाँ पर रोल प्ले किया करीम हैरिसन ने, और उस कैरेक्टर को भी बहुत ही अच्छी तरह से इस शो में डेवलप किया, और साथ साथ इस शो की जो एंटागोनिस्ट है अप्रैल उस कैरेक्टर को भी मतलब अच्छा खासा टाइम दिया डेवलप करने के लिए ताकि आप पूरी तरह से उस कैरेक्टर को भी समझ लो। तो ओवरऑल यहाँ पर इस सीरीज में कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरह से की गई है। उसके अलावा शो का बीजीएम बहुत बढ़िया है, बस एक ही चीज मुझे इस शो की खामी लगी वो ये है कि मेकर्स लोग जब इस तरीके के शोज बनाते थे तो आधे आधे घंटे के अगर एपिसोड हो तो वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन इतने बड़े एपिसोड शायद मतलब फॉरेनर्स लोग को पसंद आ सकते होंगे, लेकिन हमारे इंडियन ऑडियंस के लिए थोड़े से ज्यादा लेंथी हो जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से इसको लिखा है मेरे हिसाब से ये शो एक वर्थ वॉच है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कौन सी ऑडियंस है। अच्छा बात करेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर सभी एक्टर्स का काम टॉप नॉच का है, लेकिन जो दो एक्टर के बीच की आपस की केमिस्ट्री है, मैं बात कर रहा हूं मैडी फिलिप्स और एंजेलिका की, इन दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री बताई है यानी कि स्टर्लिंग और ब्लेयर की, वो इतनी आउटस्टैंडिंग है कि मतलब एक ऐसा भी मोमेंट आता है इस सीरीज में कि आप लोग ये सोचना भूल जाते हो कि भाई लोग एक्टिंग कर रहे हैं कि रियल में लोग ट्विन सिस्टर्स है। इसके अलावा यहाँ पर कदीम हैरिसन का भी नाम लेना पड़ेगा जिसने यहाँ पर बाउजर का रोल प्ले किया, आप लोग ये कह सकते हो कि उस बंदे ने इस पूरी सीरीज में, उस अंकल ने इस पूरी सीरीज में इतना शानदार परफॉर्मेंस किया कि आप जब उनका कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है ना सीरीज में तब ये सीरीज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, और जब जब उन चाचा का सीन आता है ना आप कहीं ना कहीं उनके फेशियल एक्सप्रेशन और जिस तरीके से वो डायलॉग बोल रहे हो, जिस तरीके से वो इन दोनों लड़कियों को हैंडल कर रहे हैं वो देखकर एक अलग ही मजा आ जाता है। उसके अलावा शो में काफी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, और स्पेशली जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते रहेंगे वो ट्विस्ट एंड एक अलग ही आपको फीलिंग देते रहेगा इस पूरी सीरीज में, और जहां पर ये सीरीज खत्म होती है तो वहां से आप डेफिनेटली इसका वेट करोगे सीजन 2 का, क्योंकि और भी ज्यादा मजेदार होने वाला ऐसा मुझे फील हो रहा है, कंफर्म मुझे पता नहीं क्योंकि सीजन 1 मुझे देख के काफी अच्छा लगा। फाइनली पेरेंटल गाइडेंस में मैं इतना ही बोलूंगा कि ये शो बच्चे और फैमिली के लिए बिल्कुल नहीं बनाया गया है, ये टीनेजर्स लोग के लिए या तो फिर एक मैच्योर एडल्ट्स के लिए बनाया गया शो। इस सीरीज को रेटिंग दूंगा 4/5, मुझे ये सीरीज अच्छी लगी, एक मार्क्स इसलिए काट रहा हूं क्योंकि
जो एडल्ट कंटेंट होता है ना वो एक मोमेंट पे कुछ ज्यादा फील होने लगता है। वो हालांकि हम लोग इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि हम लोग एडल्ट है, लेकिन जो बच्चे है कभी वो लोग गलती से देख लेंगे तो उन सारी चीजों का असर जो है ना उनके माइंड में थोड़ा गलत जाता है। तो इस वजह से मैं ये सीरीज को एक मार्क कट कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल ये सीरीज एक वॉचेबल सीरीज है। और फाइनली मैं बोलता हूँ कि नेटफ्लिक्स वालों को अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा टीनेज ड्रामा का कोई बनाता है ओटीटी प्लेटफॉर्म वाला तो वो नेटफ्लिक्स ही है, और उसमें से अगर 10 बनाते हो 10 में से 8 वो लोग अच्छे ही बनाते हैं, तो ये सीरीज भी अच्छी है। तो यार बस इस वीडियो में इतना, यार आपको फाइनली मैं इतना बोलूंगा कि देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट किसी नए वीडियो में, टिल देन यार संडे एंजॉय करो, मुझे भी एंजॉय करने दो।